हाय व्यूअर्स, आज हम आपको बेसन का दूध वाला हलवा बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता है। एक कप बेसन, एक कप दूध, 5 से 6 बड़े चम्मच घी, आधा कप चीनी, 2 कप पानी, कुछ कटे हुए काजू और 1 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर। सबसे पहले हम एक बर्तन में बेसन को डाल लेंगे। इसके बाद इसमें हम धीरे धीरे करके दूध डालेंगे और इसका बैटर बना लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि बैटर में बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े, नहीं तो ये बैटर ख़राब बनेगा। अब हम एक कढ़ाई में घी डालकर गरम कर लेंगे। घी के गरम हो जाने के बाद इसमें हम काजू डालकर इन्हें भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। काजू के भुन जाने के बाद अब हम इन्हें कटोरी में निकाल लेंगे। अब बचे हुए घी में हम बेसन का बैटर डाल लेंगे जो हमने तैयार किया हुआ था, और इसे भी डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर से हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। ऐसा करने से बेसन के हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बिल्कुल मूंग की दाल के हलवे जैसा लगता है। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे इस तरह से, और इसके पानी को हमने बिल्कुल सुखा लेना है। अब फिर से हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे भूनते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल दानेदार ना हो जाए। ये देखिए, करीब करीब दानेदार हो चुका है और इसमें सुनहरी रंगत भी आ गई है। बेसन के भुन जाने के बाद अब हम इसमें चीनी डाल लेंगे और चीनी डालकर फिर से इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें पानी भी डाल देते हैं और इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक पानी बिल्कुल इसका सूख ना जाए। इसी बीच हमने इसमें हरी इलायची भी डाल दी है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे लगने लगेगा। इसे धीमी से मध्यम आंच पर ही पकाएं। ये देखिए, इसका पानी करीब करीब सूख चुका है और ये हलवा तैयार है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं और इसे जो हमने काजू रोस्ट किए थे उससे सजा लेंगे इस तरह से। देखिए, हमारे बेसन का दूध वाला हलवा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे चैनल रसोई ट्यूब से सब्सक्राइब करें।